खबर शिवपुरी जिले की बैराड़ तहसील से है, जहां बैराड़ तहसील में यूरिया खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने सोमवार को तहसील कार्यालय में जमकर हंगामा किया। यूरिया खाद न मिलते हुए पचीपुरा गोदाम खाद वितरण कर्मचारियों द्वारा महिलाओं से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। किसानों का आरोप है कि खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने बैराड़ तहसीलदार प्रेमलता पाल को अवगत भी कराया। पोहरी SDM राजन वी नाड़िया को भी किसानों ने फोन लगाया। SDM द्वारा किसानों की समस्या को ना सुनते हुए फोन काट दिया गया और किसानों ने कई बार जिला कलेक्टर को भी फोन लगाया, लेकिन कलेक्टर साहब ने फोन रिसीव नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि कई दिनों से खाद के लिए कतारों में खड़े होने के बाद भी किसानों को खाद नहीं दिया गया, जिसको लेकर महिला जो कि सुबह से ही कतार में खड़ी हुई थी, जिसका कतार में पहला नंबर होने के बाद 268 नंबर की पर्ची थमा दी गई। महिला ने गोला में सबसे पहले आई और तब आकर 68 नंबर की पर्ची दी है, खाद भी नहीं मिला। पिछले कुछ दिनों से पचीपुरा गोदाम से नगद में खाद बिक्री की जा रही है, इसके लिए टोकन पर्ची तहसील कार्यालय पर बना कर दी जा रही थी। सोमवार को केवल 40 किसानों को टोकन पर्ची देने के बाद जैसे ही खाद का स्टॉक खत्म होने की जानकारी किसानों को लगी, उन्होंने हंगामा कर दिया और किसानों ने खाद वितरण करने वालों पर आरोप लगाया कि हमें खाद का एक खट्टा तक नहीं दिया गया। दुकानदारों ने 2 नंबर में बेच दिया गया और बाजार में 450-450 में खट्टा दिया जा रहा है। बैराड़ से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। नाम है भाई आपका? मेरा नाम राम है। कहाँ की रहने वाली हो? हाँ, तो क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि बीते एक महीना से परेशान है। हाँ। काट नहीं मिल रहा, काट लेते हैं और चोरी से भर देते हैं और अपने अपने के पर्ची काटी होते देते हैं, बेच देते हैं कार्ड को। हमें एक कट्टा खातों को प्राप्त नहीं हुआ। आज हमारे सुबह ही 6 बजे तो कह रहे भाई हट जाओ यहाँ से, तुम्हारी पर्ची नहीं कटेगी, नहीं धक्का मार दूंगा। इनकी धक्का मारने की हिम्मत है इतनी तो डक्का मार रहे हैं, हमें खाद नहीं गए। तो ये कौन कह रहा है डक्का मारने की? वो पर्ची काटने वाला तो आप... और जबकि मेरा फर्स्ट नंबर था और नंबर में 253 कर दिया, ऐसा क्यों हो रहा है? बांगई बिन्ने भी भगा दे, कोई खाद नहीं है, पर्ची तुम्हारी अभी नहीं लगाई, तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे मैं अपनी जमीन को करूँ? तो आप कितने दिन से घूम रही हो खाद के? एक महीना हो, बीते दिन एक महीना हो, मुझे एक कट्टा प्राप्त नहीं हुआ मेरे लिए। आप लगातार एक महीने से आ रही हैं? एक महीना से लगातार आ रहा हूँ, ना तो मुझे DAP मिला ना मुझे यूरिया मिला, एक भी कट्टा नहीं पाया मैं। मुझे आते हैं अंड संड बोलते हैं, गाली गलत करते हैं और हम यहाँ से भग जाते हैं। एक महीना से ना कोई सुनवाई है रही है और एक महीना से हर गाड़ी बेच रही है। सिंड कर गई तहसीलदार साहब आए, वो सिंड कर गई ये गोदाम है और अब भी कागज ने चोरी से फिर भर दिया, कहीं पकड़ में आएगा कभी। एक महीना से सब अधिकारी कह रहे हैं, तहसीलदार साहब कलेक्टर साहब के हाथों में पर्याप्त मिल रहा, यहाँ नहीं मिलो एक भी कट्टा। अब हम क्या करें, कैसे खेती करें? 100 आदमी खड़े हैं यहाँ पे, 100 आदमी की भीड़ पड़ रही है और 50 पर्ची निकाटी और वो भग गए लोग, गाली गलौज कर गए और भग गए और सब साहब कहते हैं कि नहीं तुम्हें खाद पर्याप्त मिल रहा है, आज तक कोई एक कट्टा नहीं पाया हूँ। समस्या ये है कि ना तो DAP खाद मिल रहा और ना यूरिया मिल रहा, देते हैं तो कोई हजारों को बता रहे हैं कि विदेश 16-17 से खाते कट्टा लगे हैं, क्योंकि पर्ची मर्ची कोई काटते ही नहीं आने, यूरिया खाते अब क्या करो, मैं जरूरत बड़ी तो मुझको मैं 400 रुपये 450 रुपया कहा था कट्टा लिया, वो कहती है मैं नष्ट कर दूँ, कद जाए तुम और का मान लो लेके मैं कैसे पटाऊँ, है बच्चे परेशान हैं हमारे, लेकिन कोई भी खाद नहीं दिया मेरे लिए। मुझे आज 15 दिन जी आते मना, 15 दिन जी आते हैं, सवेरे पर्ची कटेंगी पहले दिन कटेंगी और रात में ही पर्ची ने भर भर आके तो ले जाते हैं साहब, मैं देवी से आया हूँ अभी और जनता जहाँ कड़ी है मैं भी खड़ा हूँ, लेकिन जब 100 आदमी से कोई कम नहीं है, वो कह रहे हैं कि देखो खाद पर्ची कट गई, बताओ साहब मैं क्या करूँगा, रिपोर्ट तो है तो मैं जहाँ आ जाऊँगी दे रही, आपको खाद मिली नहीं? मिला नहीं मिला, फिर आया हूँ साहब, अब क्या करूँ, ले रहे जिन बोल दी तो मैं डेली आता हूँ, अब क्या कर रहा हूँ, पैदल यात्रा कर रहा हूँ, देरी भी बटेगा साहब, देरी नहीं बताते मेरे लिए। तो इसकी आपने और कहीं शिकायत नहीं की? अरे शिकायत कहा करे सर, अब जैसे ही तो कहा शिकायत करे, कोई सुनवाई नहीं है, आज कल कह रहे हैं तो शिकायत कहा करे, परेशान है, मुख तो मिल रहा खा मिल रहा, बताओ कहीं भी हम सब जगह परेशान है।